तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पहले आज की हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के बेटे के बारे में। तो रतन टाटा का बेटा कौन है, रतन टाटा के बेटे का क्या नाम है, रतन टाटा का बेटा क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका गर्लफ्रेंड कौन है, आखिर रतन टाटा ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आज पूरा देखना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितने भी आगे वीडियो इस चैनल में डाले जाएंगे सारे आपके पास पहुँच जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। तो अगर आप रतन टाटा को नहीं जानते हैं तो बता दो कि रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति हैं और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे हैं। वे टाटा ग्रुप की सभी कंपनियां जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा अकाउंटेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल, इंडियन होटल और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनकी समझदारी से टाटा ग्रुप ने नए ऊंचाइयों को छुआ, बिजनेस को कई गुना बढ़ा कर दिया। रतन टाटा की कमाई की बात करें तो महीने में 90 करोड़ से भी ज़्यादा और साल का 820 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। बात करते हैं कि रतन टाटा ने आखिर अपने बेटे को छुपा क्यों रखा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फोटो में नजर आ रहा लड़का रतन टाटा को केक खिला रहा है और पीठ में हाथ रखा, देख के ऐसा लग रहा है कि वो रतन टाटा का बेटा है, लेकिन वो रतन टाटा का बेटा नहीं है बल्कि शांतनु नायडू है जो रतन टाटा के असिस्टेंट है। अगर आपको शांतनु नायडू के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।